और जिस जगत का तुम्हारा जी जाएगा और जो चीज तलब करोगे तुम्हारे लिए मौजूद होगी। मेहमानियों की बसने वाले रहन करने वाले की तरफ से और से बात अच्छा और कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है और खुद भी अच्छे काम करता है। और इसकी इन आयात मुबारका आपके सामने तिलावत की है। नंबर 30, 31 और 32 है। इंसान को दो किस्म के कमाल इस दुनिया में देता है। पहला कमाल एक इंसान अपनी तकलीफ करे, अपना फिकर दुरुस्त करे और अपने आमाल की सलाह करे, अपने आप को सही सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए। और दूसरा कमाल ये है अपनी तकमील के बाद दूसरे लोगों की फिक्र करे और दूसरों को भी पक्का मुसलमान बनाने की कोशिश करे। ये जो मैंने आयात मुबारका तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयात में ये दो बातें बयान की है कि इंसान दुनिया में आने का तेरा मकसद, सबसे पहला मकसद ये है कि अपने आप को पक्का मुसलमान बना। बात जरूरी है ना, अगर आदमी मुसलमान ना हो, पक्का मुसलमान ना हो, सही मुसलमान ना हो और दुनिया से चला गया तो निजात तो यकीनी नहीं। इसी तरह जब खुद बन जाए तो दूसरी जिम्मेदारी भी आए बनती है कि दूसरों को भी पक्का मुसलमान बना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पक्का करने के लिए जो सच्ची किताब आप बनाई है कुरान पाक, साथ ये भी बता दिया कि पक्का वही होगा जिसका अकीदा कुरान के मुताबिक होगा और जिसका अमल कुरान के मुताबिक होगा। जिसका अकीदा ही कुरान के खिलाफ है, जिसका अमल कुरान के खिलाफ है, वो कितना बड़े से बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं बन सकता। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनकिरीन कुरान की चार सिफात बयान की है।
जो कुरान के मुनकर है, कुरान के दुश्मन है, उनकी कितनी चार सफा पहली है कि खुद कुरान नहीं सुनते। दूसरी सिफत यह है कि दूसरे को मना करते हैं, कहते हैं कि कुरान बिल्कुल नहीं सुनते। और तीसरी ये है कि कुरान पाक के बारे में मुख्तलिफ शकों को शुबहात पेश करते हैं, कुरान के मुकाबले में झूठी रहते और बेसनद किस्से और कहानियां सुना के लोगों को कुरान से दूर करते हैं। पहली बार तो फरमाया कुरान इस सूरत की इब्तिदा में, क्योंकि ये दरसे कुरान है तो जिसमें मैंने अंदाज भी ही रखा है ताकि कुरान पाक की तरहीब हो। फरमाया किताब फुसलत आयातुह, कुरान अरबी कि ये आपने रहमान रहीम की तरफ से उतारी किताब है और इसकी आयात को खोल खोल कर बयान किया गया है। ये कुरान है, अरबी जबान में इसको नाजिल किया है ताकि लोग उस कुरान को समझे। खुशखबरी देने वाला है, डराने वाला है। बाहर अक्सर लोगों ने कुरान से इनकार कर दिया और वो कुरान सुन भी नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, कहते हैं पारो सुरगुना शिया जिन्नती में पाकर बुलाए नहीं। ये हमारे दिल दिल पर रोड़ में आए हमारे कानों के अंदर क्या है, बोझ है कुरान सुनाने वाले हमारे दरमियान और तेरे दरमियान पढ़ाए कुरान पर अमल कर हमको अपने पास लाने वाले पर अमल करेंगे। कुरान साफ साफ बयान करा, कुरान हालत लोगों की बयान करा। मेरे दोस्तों कुरान ऐसा है ना, कुरान अल्लाह ने कुरान दिया किया है, ये बिल्कुल कुरान ने इंसानों के हालात को है नक्शे में बल कर दिया है। आज ऐसे नहीं है फारमलिन जनाबिलों, तू आप कुरान पर चल, ये जो तू पढ़ता है तू अमल करा। हम दुनिया और उस मजहब पर चलेंगे जिस पर हमारे बाप दादे चलते रहे, जिस पर हमारे मौलवी साहब है, हमारी जमाते है, जिस पर हमारे गांव वाले रिश्तेदार और बिरादरी है, हम उस पर चलेंगे। ये जो तू कुरान पढ़ रहा है उस पर हम अमल कर। अल्लाह पाक ने फरमाया पहला काम तो कुरान के साथ होगी, दूसरा क्या दावत होती है। जब कुरान बयान करने वाला आए तो सुनो ही नहीं, कुरान सुनो ही नहीं, बल्कि गौर किए। अगर कोई आदमी पूरे कुरान की आयत सुनाता है, कोई मसला बयान करता है, तुम क्या करो, आगे उसे किस्सा और कहानी सुना दो, कोई कहानी सुना दो, बल्कि गौर किए। कुरान के अंदर कोई और चीज दाखिल करके प्यार कर दो, लाल कुरान का लिखने को बुकवाने बनाएंगे। कुरान पाक
जो ये सुनत रहे कि हर पुराण पाप इस तरह जो है खत्म कर लिया जाए। अल्लाह पाक फरमाएंगे जी क्यामत के दिन मरते जाएंगे, जहन्नम में जब जाएंगे तो कहेंगे रब्बाना अरे नाम ये मौली पीरों के नीचे दूसरे तबके में जहन्नम में ये लोग होंगे दूसरे तबके में, वो कहेंगे अल्लाह ने वो मौली और पीर देखा वो फिर और इंसान देखा जो दुनिया में उन्हें गुमराह करते थे आज उन्हें दिखा न दुनिया लोगों का अहसान का मिला, आज हम उनको अपने कदमों के नीचे रोक के अपना गुस्सा ठंडा करें। अल्लाह पाक फरमाते हैं जो लोग दिल से कहते हैं हमारा रब सिर्फ अल्लाह पाक है, हमारे नबी मुसा का मालिक अल्लाह ही है, हमें सच और सुन्नत देने वाला अल्लाह ही है, हमारी खुशी गमी का मालिक अल्लाह ही है, हमारे नबी मुसा का इख्तियार रखने वाला सिर्फ अल्लाह पाक है। मुशरिक का अंदर कुछ और होता है, मुशरिक कहता है एक शिर्क की जो जड़ है ना बुनियाद है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस पर सारे शिर्क का कारण बना है वो ये है कि मुशरिक कहते हैं कि जब कोई आदमी अल्लाह की इबादत करता रहता है लंबी उम्र हो जाए उसकी, बहुत ज्यादा नमाजें पढ़े नफलें पढ़े रोजे रखता रहे तस्बीह पढ़ता रहे दुरूद शरीफ पढ़ता रहे जिक्र अज़कार करता रहता है, जब मौत आती है अल्लाह उसकी रूह को चार इनाम देता है। पहला इनाम क्या देता है? अल्लाह पाक उसको एक खिते का मुख्तार बना देता है, अल्लाह ताला उसको इख्तियार अता कर देता है, सारे जहान के अख्तियार नहीं बल्कि एक खिते के जहां वो उसकी कब्र होती है दफन होता है उसकी जिंदो नवाज जो इलाका होता है अल्लाह पाक उसको उस इलाके के लोगों के अख्तियार अल्लाह ताला उसको अता कर देता है। दूसरा इनाम ये देता है कि कुरान का जिक्र है इस्लाम का जिक्र है जिस मुशरिकों का ये अकीदा है, ये उनका अकीदा है मुशरिकों का अकीदा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुशरिक मुशरिक क्यों होता है और कुरान पाक ने ये सारी बातें क्यों कही। दूसरा ये कहता है अल्लाह ताला उसको जितने के गैब का इल्म अता कर देता है सारे जहान का दिल बल्कि मखसूस कामों का मखसूस बाद बाद बातों का इल्म उसको अल्लाह ताला का अता करते हैं। दो इनाम हो गए। तीसरा इनाम जो छोटे छोटे काम होते हैं अल्लाह उसको इख्तियार दे देता है वो खुद कर देता है, बड़े बड़े काम नहीं सारे काम नहीं हर काम नहीं बल्कि कुछ काम जिनके बारे में अल्लाह का कोई खास फैसला नहीं होता वो मखसूस काम छोटे छोटे काम अल्लाह करने का उन्हें इख्तियार दे देता है। और चौथे इनाम ये देता है कि अल्लाह अपनी इबादत कबूल नहीं करता जब तक उनकी साथ इबादत न की जाए, उस इलाके के लोगों का उन्हें इलाह बना देता है। क्या कहता है उस इलाके के लोगों का? अब कुरान पाक ने इन तीनों चारों बातों का रद्द फरमाया कि अल्लाह पाक ने हाँ छोटे काम खुद कर देते हैं बड़े काम अल्लाह से करवा लेते हैं, सिफारिश करके बड़े काम अल्लाह से करवा लेते हैं, इसलिए मुशरिक कहता है मैंने तो आपको कुछ करना है ना मेरी इबादत कबूल नहीं होती जब तक मैं दरबार और गुजार पर बजाऊं, जब तक मेरी दुआ उनकी दुआ उनकी पुकार जो अल्लाह की पुकार है उनकी पुकार के साथ न मिल जाए पुकार मेरी कबूल नहीं होती, जब तक मेरी न्याज उनकी न्याज के साथ खुदा की भी न्याज होगी साथ उनकी भी होगी, जब तक मैं
इबादत में उनको शरीक न करो, मेरी इबादत अल्लाह से दूर हो जाए। फिर कहते हैं बाकी ये क्यों पैदा किए हैं, अगर इनकी इबादत नहीं करनी थी तो अल्लाह ने ये बनाया क्यों है? इसलिए मुशरे कहता है इला एक नहीं है, इला कहते हैं जाले तेरा हुआ हिला, तुमने सारे इलाहों का एक इला बना दिया, तो कहते हो ला इला इल्लल्लाह, अल्लाह की सिवा कोई इला नहीं। हालांकि ये सिर्फ फरिश्ते इला है, ईसा अलैहि सलाम इला है, उज़ैर अलैहि सलाम इला है, और अल्लाह ताला के ये जो बेटे हैं और फरिश्ते बेटियां हैं और जिन अल्लाह की ससुराल है, इनको सारे इला बन गए हैं। अंबिया औलिया शुहदा और पीर बुजुर्ग बहुत सारे इला है, ये सारे इला उसूल भर पा रहे हैं, कोई लातादाद इला बना दिए हैं। इसलिए जब जलवा पड़ता है मुसलमान तो हैरान होता है, परेशान होता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, अब जो आदमी आए और दिल से आकर कह दे मेरा इला तो सिर्फ अल्लाह है, मेरा मुश्किल सुझाव सिर्फ अल्लाह है, मेरे हर बात को जानने वाला अल्लाह है, मेरे नफ नुकसान का मालिक अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं, ये दिल से ये बात कहे। इसलिए सूरह हुजरात में फरमाया قالت لا رب آمن الله یہ آسی لوگ آتے ہیں اور آتر کہتے ہیں آمن نا ہم نے ایمان قبول کیا، ایمان لائے ہم، کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا قل لم تؤمنوا، कुल मेरे महबूब पैगंबर इनको कह दो लम तुमिनू, अभी तक तुम मोमिन नहीं बने हो, अभी तक तुम मोमिन क्यों? कालत ला रब आमन्ना कुल लम तुमिनू वलाकिन कुलू अस्लमना वलम्मा अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ, अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान। क्या मतलब इसका? वही ईमान का मतलब तो यह है, इस सारी बात को कलमे को समझे पहले कि कलमे का मकसद क्या है, कलमे के साथ मैंने इकरार क्या करना है, ये कलमे के साथ मैं अल्लाह का अल्लाह से वादा क्या कर रहा हूँ, मैंने इस बात को समझे तो सही ना, इसको पता ही नहीं है। ये रात रवा भी कलमा पढ़ता रहे, जब अरबी बंदा कलमा पढ़े तो मोमिन न बने। तो मुझे बताओ हमारा पंजाबी का आदमी और पंजाब का रहने वाला अनपढ़ बंदा हो, उसको अरबी आती न हो, कलमे का मतलब खूब आता ही न हो, तो ऐसी जगह ना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का तो सुभान बन जाएगा। सही बात है, जो सूरह गुजरात है 26वें पारे में और उसकी आखिरी आयत है, किसी मौलवी का इस बात से इख्तिलाफ नहीं है। इत्तेफाकी मसला पेश कर रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में अरब के देहाती लोग आकर कहते थे, कलमा पढ़ के कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कहते थे आमन्ना हम मोमिन बन गए। अब क्या बन गए? समझाई बात नहीं। आगे से कुरान ने क्या कहा, अल्लाह ने क्या कहा कि तुम मोमिन अभी तक नहीं बने हो, क्यों नहीं बने हो? तुम कहो हम मुसलमान नहीं है, तो हमने इस्लाम कबूल कर
कर लिया है, हमने इस्लाम को कबूल किया है, लेकिन ईमान तब होगा तुम्हारे दिलों में जब तुम कलमे को समझोगे और समझ कर तुम कहोगे कि भाई ये दिन पूर्ण होके देना कि ये नफल नुकसान तेरे का इख्तियार रखते हैं, ये मरे हुए बुजुर्ग और गुजारों में पड़े हुए बुजुर्ग, ये जो जिनको लोग बुजुर्ग है जाते हैं, लोगों ने उनके दरबार बना दिए और उनके नाम रख दिए, खुदाई नाम रख दिए, लोगों ने उनको हिरा बना रखा है, वहां जाकर सजदे करते हैं, पुकारे करते हैं, न्याजे देते हैं, तकदीर रखते हैं कि ये हमारे पुकारे सुनते हैं, हमारे हालात को जानते हैं, हमें लफा दे देते हैं, या अल्लाह से हमारे काम करवा देते हैं। जब तक तुम उनका इनकार नहीं करोगे, उनका पहले कहोगे वो सारे इला नहीं है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की इला नहीं, मोहिउद्दीन अंजली की इला नहीं, बोलने वाले की इला नहीं, समझे बात की नहीं, ये लाहौर वाले भी इला नहीं, सुल्तान गांव भी इला नहीं, ये सारे दरबारों वाले, ये सारे पीरी का दावा करने वाले, ये बुजुर्गों का दावा करने वाले, ये बाबे और बीबियां, ये इला नहीं है, ला इला पहले ला इला को माने, अपने दिल में दाखिल करें, दिल से कहे ला इला, ये सारे इला नहीं है, फिर कहे इल्लल्लाह, एक अल्लाह इला है, दिल से कहे इल्लल्लाह कालू रब्बुल्लाह, हमारे नबी मुसाल का मालिक, हमारा हाजत रवा मुश्किल कुशा, हमें खुशियां और गम देने वाला, बीमार करने वाला, शिफा देने वाला, औलाद देने वाला, रिज़्क़ की वुसअत देने वाला, हलाल रिज़्क़ अता करने वाला, हमारी मौत और हयात का मालिक कौन है? रब्बुल अल्लाह, हमारा रब कौन है? सिर्फ अल्लाह। ये बात दिल से कहे, अगला लफ्ज़ यह है सुमस्तकाम, इस्तेकामत का मन यह है इस पर पक्का रहे, दुख आए सुख आए, बीमारी आए या सेहत मिले, खुशी हो या गम हो, लोग राजी हो या नाराज हो, मौलवी और पीर मुवाफिक हो या मुखालिफ हो, बुजुर्ग आ जाए बहुत बड़ा सफेद गाड़ी वाला, बड़ी लंबी तस्वीर उसने पकड़ी हुई है, वो आकर कहता है छोर बच्चे तुम गलत रास्ते पर चल पड़ा है, ये गलत रास्ता ही किसने तुझे पर लगाया है, किस पोटली के पीछे लगता है, वो आगे बढ़ा करता है, वो कहते हैं आ मेरे पास आ, मेरे पास ऐसा वजीफा है, मेरे पास ऐसा काम है, मेरे पास ऐसा तवीज है, ऐ शुरू करूंगा तेरा काम, रातों रात तू अमीर हो जाएगा, बे औलाद है तो औलाद वाला हो जाएगा, शिफा मिल जाएगी, फला फायदा मिलेगा, मौलवी आ जाएगा गुमराह करने के लिए, शैतान मौलवी की शक्ल में आ सकता है ना, मुतासर होकर वो कहे चलो जी अमीर हो जाता हूँ, फिर दोबारे की तौलियों के साथ मिल के एक दिन सुनूंगा एक घर सुनूंगा तो कायम हो जाऊंगा, वो जो तो ही वाला है रास्ता उसको छोड़ दे, आप लोग को दे है जी, मैंने एक बात समझाने चाहता हूँ, दुआ और अल्लाह करे कि मैं तुम्हें समझा लूँ, मेरा मकसद है आपको एक बात समझाना, अच्छा पक्का कैसे होता है आदमी और कच्चा कैसे होता है, ये बात आपको समझानी है कि पहली बात तो ये हिदायत के दर्जे हैं चार,
पहला दर्जा सतह पे दर्जे है, इसीलिए है पहले दर्जे पे आदमी आता है, हिदायत मिल जाती है, हक पता चल जाता है। फिर अगला दर्जा है इस्तेकामत, हिदायत, पहला इनाबत है फिर हिदायत है, फिर तीसरा इस्तेकामत है। उसके ऊपर बड़ी परेशानी आती है, गम आते हैं, मुकाबले होते हैं, उसको हटाने वाले हटाने पे पूरा जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, पूरा जोर लगता है। अगर आदमी पक्का रहे, अल्लाह पाक उसके दिल के ऊपर एक जोर लगा देते हैं, उसको ऐसा बना देते हैं कि फिर मौत तक वो आदमी को ही से फिर नहीं सकता, ईमान उसका पक्का बंद हो जाता है, महफूज हो जाता है। अब मैं तुम्हें मिसाल बताता हूं, कच्चा करने वाले लोग कच्चा करते हैं, कमजोर करते हैं ताकि अपने मगर और दीन से फिर जाए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुने, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में तस्कर आता है, वो इसको राम का अय्यूब, इस नाम का आरंभ हूँ। ये आपने सुना है कि वो बीमार हो गए थे, गांव वालों ने निकाल दिया, औलाद फौत हो गई, माल तबाह बर्बाद हो गया, ये इम्तिहान आ गया, इम्तिहान आ गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम बेटे भी फौत हो गए, माल भी खत्म हो गया, मुफ्त से नहीं ले लिखा है, लेकिन आता है क्यों ऊपर से आग आई, शैतान आग बन कर गिरा और उनको रात को जला दिया, माल को घर कर दिया, खुद बीमार हो गए, कुछ भी नहीं है पास, एक बीवी है, शोर बीमार है, महीने की बीमारी नहीं, साल की बीमारी नहीं, कई साल तक बीमार है। आप खुद अंदाजा लगाए, जब ऐसी हालत आदमी की होती है उस वक्त पता चलता है ना कि ये आदमी ईमान में तो पक्का है कि कच्चा है। बीमारी है, बैर चक्कर में झोपड़ी डाल के रह रहे हैं, सारा कुंबा कबीला खानदान बिरादरी रिश्तेदारी खत्म, कोई भी बीमार है कोई बंदा चली नहीं आता, बीमार आदमी से वैसे भी आता है लोगों को बचा कर आती है ना, दूर बैठो ख्याल करो तो बीमारी का गंध है नहीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम आपके साथ भी ऐसे हुआ, बीवी खिदमत करती है, शोर को बीवी ने नहीं छोड़ा, एक बीवी रह गई, वफादार बीवी थी, मोहब्बत बीवी थी। एक दिन जाती है जंगल में लकड़ियां लेने के लिए, वहां एक पीर साहब आ जाते, बड़े बुजुर्ग आ जाते, बैठे उनके पास, बीमार लाए जाते हैं, फूक मारते हैं, ठीक हो जाते हैं, वो पैदल जाके रोटी खा, ये जो एक मरीज ठीक होता है दूसरा तीसरा हो, देखा कि बड़ा खूबसूरत बड़ा ऊंचा बुजुर्ग बैठा है, बीवी ने कहा चलो मैं भी से बात करूं, मेरे शोर भी बीमार है, अगर ये इजाजत दे तो मैं भी अपनी शोर को ले आऊं, मुझे आप लोग बता सकते हैं कि वो बुजुर्ग उद्दीन साहब कौन थे, आप समझदार हो, उम्मीद है कि आप होशियार रहेंगे, समझ आई बात की नहीं, कोई शैतान पीर बन के आता है कि नहीं आता, हाँ शैतान बुजुर्ग बन के आता है, पीर बन के आता है, सफेद दाढ़ी रख के आता है, लंबी तस्बीह उठा के लाएगा, नेक बन के आएगा तुम्हें गुमराह करने के लिए, कच्चा करने के लिए, कमजोर ईमान करने के लिए,
उन्हें आकर पूछा कि छोड़ बीमारे बड़ा अच्छा हुआ परेशान है क्या करवाया। अच्छा जी भाई ठीक ही दिया, बस ये करना जब ठीक हो जाए ना तो किसी एक वे आपने कुछ मदद देनी पड़ेगी, प्यार दे देना बाकी का ना करे मेरा छोड़ ठीक हो जाए। लग रहा है ऐसे है कि जिस टीम ने खुद ही कुछ किया हुआ था बाहर जाके अयूब अलैहि सलाम से बात की। अयूब अलैहि सलाम ने क्या कहा कि मैं ठीक तू गई क्यों है, तूने ये बात सोची क्यों है, पूछी क्यों है, हमारा ईमान इतना कच्चा तो नहीं, हम तो पक्के मोमिन हैं, उस अल्लाह हम तो वो लोग हैं जिन्होंने कहा हुआ है रब्बुल अल्लाह हमें बीमार करने वाला भी वही है, हमें शिफा देने वाला भी वही है, हमें बीमार बीमारी और शिफा का इख्तियार अल्लाह अगर तुम्हारा रखना चाहता है हम किसी पीर से शिफा नहीं देना चाहते, अल्लाह शिफा देने पे आए तो कोई पीर रोक नहीं सकता। अल्लाह पाक फरमाते अच्छा वो अब क्या हुआ उनका मैं ठीक हो जाऊंगा। यूं मेरे इस्लाम ने कहा था तुझे 100 करोड़ मालूम, 100 करोड़ किस किस नाम की है जाने की सजा है, सबसे बड़ी सजा 100 करोड़ है। कसम उठाई उन्होंने मैं ठीक हो पा तो तुझे क्या सजा, मैं पक्के लोग तो ऐसे होते हैं पक्के ऐसे होते जरा सी परेशानी आए यार देखो यार तू बंदा की तबीयत वाला ढूंढो है कोई और कोई वजीफा पूछो किसी को भी से दुआ पता करो मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अरहम रहीमीन है, या अल्लाह हम खाएंगे क्या हमारा तुम्हारी खत्म हो गया है
अल्लाह ने सोने और चांदी की बारिश बरसा दी, माल भी मिल गया। अल्लाह मां से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी बीवी को भी सलामत सेहतमंद बना दे, बीवी को भी सेहतमंद बना दिया। अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया। किसने दिया लेकिन जब बताओ नहीं, इमाम फिर बच्चा करना चाहिए, पकड़ रखना चाहिए, समझ आई बात नहीं। लेकिन क्या है कि जब बर्दाश्त करना पड़ता है और कुछ भी नहीं होता और उसमें मजा आता है। इस इम्तिहान और परेशानी की एक और मिसाल सुनाता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला घर में आते देखते हैं बीवी के गले के अंदर एक ताबीज है, पकड़ाया, पकड़ के किसको के फेंक दिया। फरमान तुम या अब्दुल्लाह इलाहिया निशे ओ अब्दुल्लाह की घर वालों, तुम्हें अल्लाह ने शिर्क से दूर कर दिया है, शिर्क से पाक कर दिया है, तुम क्यों अपने गले में डाल दियो। और कहा इन्नी समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रुकाब तमाइलो वते वरा नशिको, मैं नबी अलैहिस्सलाम से सुना था कि इन्नर रुकाब वतमाइमा वते वरा नशिको, रुका और तमीमा और तिबारा ये तीनों किस्म के कामदार शेर है। अच्छा जी, वो अपनी उंगली से चोक देता है, जब तू उसकी इताअत करती है तो वो रोक देता है भूख को, और जब वो झूठती है झूठ जाता है। इन नवा यक्री के माकार कार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे वो काफी है जो नबी अलैहिस्सलाम और सलाम ने दुआ बताई, वो क्या अल्लाहुम्म इश्फी अंत शाफी, ऐसा गंदी शिफा दे, कोई शिफा देने वाला है, ला शिफा इल्ला शिफाउका, तेरे सिवा कोई शिफा देने वाला है नहीं, और शिफा अल्लाह के बाद हो सकता है, इसी शिफा दे जिसके बाद बीमारी का नाम और निशान बाकी न रहे। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि तावीज तमीमा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है जो तावीज बीमारी के बाद डाला जाए उसको रुकिया कहते हैं, रुकाब, रुकिया क्या कहते हैं, रुकिया रुकाब, और जो हिफाजत के लिए पहना जाए उसको तमीमा कहते हैं, कमाई तमीमा की जमाए, और जो तावीज मोहब्बत के लिए किसी इंसान की मोहब्बत दिल में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको देवाला कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये शेर है, और इस इस्तेकामत का माना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करते हैं कि इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना सुम्मा इस्तक़ामू ला युशरिकू बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे, अल्लाह के साथ किसी को इस्तेकामत का माना ये पक्का रहे, शिर्क न करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तमीज पैदा शिर्क है, तमीज पैदा क्या है अब बताओ, तमीज पैदा वाला कच्चा होगा या पक्का होगा, इसलिए मैंने पहनता हूँ जिससे कच्चा होता है, समझ रही बात नहीं। अब मुशरिक एक शिर्किया तमीज पहनता है, ऊपर शिर्क लिखा हुआ है, या शैतान या जिब्राइल या मिकाईल, मुशरिक जबर पैदा हुआ है, मुमैद में भी अपना पैदा हुआ है, कहता है मैंने इस पर वो या अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है,
अब मैं इस कुरान की आयत की मैं अगर के नहीं भी होती पता नहीं होता कि पीर साहब ने क्या कुछ मुझे कर दिया है। लकीरें मालूम है हिस्से लिखी हुई है बहरहाल उसने वो पैदा हुआ है इसलिए ये पैदा हुआ है ये उसको कहता है यार ये उतार की ये शिरक है वो उसको कहता है कि तेरा तो हीद है और मेरा शिरक है बताओ तो क्या जवाब देगा तेरा जो है पीर लेकर देता है वो सही है यार और ये मेरा ही शिरक आ गया है जब वो कहता है नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाएगा तो वो उसको कहेगा वो तो कह रहे हैं सारी शिरक है मेरे दोस्तों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्जा की कभी सही कौन ही हदीस मौजूद है समझ बात नहीं है। एक रवायत में आता है हजरत ने रुमाया थे सहाबी है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाला रसत अपूर निकल आया शायद मेरे बाप मेरी जिंदगी ज्यादा लंबी हो और हम ज्यादा सा जिंदा रहे अखबरी का लोगों को ये बात बता देना मन तकल्लुफ का वादा है जिस आदमी ने अपने गले में तावीज लटकाया और आकर अली दिया तुम या अपनी दाढ़ी में गिरा लगाई और अब उस महिला बेटा बदिन या उसने किसी जानवर की लीम के साथ संजा किया अरे भरी हो मेरो मैं उससे भरी हो उसका मेरे साथ हम तालुक रहे ये मुश्किल चीज में चिताब और तहारत में दूसरा पहले पहले जो भाव है ना भाव मुस्तंजा के भाव में ये हदीस लिखी हुई है और ये हदीस के अंदर हाशिए पर लिखा हुआ है कि बदर कहते हैं खैतन की ताबीदो धागा जिसके अंदर ताबीद डाला जाए और जानवरों के और इंसानों के गलों में डालते हैं। इसी तरह एक रिवायत में नबी अलैहिस्सलाम के पास 10 आदमी आए 9 को आपने बैत कर दिया और एक को छोड़ दिया तो कुछ गया तो हमारा देख तो उसके बाद में इंसान तभी मांगा हुआ था मेरे दोस्तों बहुत सारी बात है पर हर हाल बता देते हैं कि जो आदमी तावीज डालता है कहते हैं उसके लिए जायज होने के लिए तीन शर्तें हैं पहली शर्त यह है कि तावीज के ऊपर एतमाद न करे यकीन अब जब तावीज डालने वाला देता है वो उसको कहते हैं कि बड़ा मुजरब तावीज है अब मुजरब तावीज को मुजरब भी कह रहा है अब बताओ यकीन तावीज पर होगा या अल्लाह पर होगा समझे बात नहीं इसलिए जिसकी ईमान कमजोर होता है तावीज डालने से और फिर यह मुशरिक के साथ मुशाबहत पैदा होती है। शिर्क की दो किस्में है एक है शिर्क की जली तो वही तावीज है जिसके अंदर शिर्क या बात लिखी हुई है या जिब्राइल या इब्राहिम या मिसाइल अंदर गैर की पुकार लिखी हुई है वो तावीज शिर्किया है उसको सारे शिर्क मानते हैं उसके शिर्क होने में कोई इख्तिलाफ नहीं वो शिर्क जली है उसमें करने वाला पक्का काफिर है वो पहनने वाला लिखने वाला देने वाला इस्तेमाल करने वाला कौन है पक्का काफिर है उसके किसी भी बंदी को इख्तिलाफ नहीं मेरी बात नहीं है। एक वो शिर्क है जिसमें ऐसी चीज लिखी जाए वो उसको शिर्क असर कहते हैं कि वो उसके साथ मुशाबहत रखता है क्या है मुशाबहत पैदा होती है उससे शिर्क फैलता है उससे इंसान तवीज नहीं कर सकता कि ये मुशरिक है या मुबद्दल है इसलिए उससे भी मना किया गया ताकि इंसान से ईमान कमजोर ना हो। ये बात कही है बड़े बड़े मौलवी मौलवी मैंने देखे हैं उन्होंने भी गए होता गुजरा क्या है कि रात चौक करते हैं भाई इससे ये क्या हिफाजत कर लेगा तो कुरान पाक क्या कहता है इन अंदर की नकार पहली बात तो ये है कि ये कहे कि मैं मुबैल हूँ तो भीद को माने और कहे कि मेरा हाजत रब कौन है अल्लाह इला कौन है अल्लाह तो ईद को माने और कबूल करे। दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर क्या है
अगर पक्का रहेगा तो इसको चौथा दरिया नसीब हो जाएगा। हिदायत का रब्त का लुटा बातें तो बहुत सारी थी। अब उसके बाद मैं आपको और बात जरूर सुनाता हूँ। हजरत उसामा कहते हैं, हम बैठे हुए थे नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस से एक देहाती आदमी आया और उसने आकर सवाल किया, नतगावा या रसूल अल्लाह, क्या हम दवा इस्तेमाल कर सकते हैं? दवा की इजाजत है? क्या पूछा? कि भाई बीमार होते हैं और हमारा जीता ये बीमार करने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, अब हम दवाई इस्तेमाल करते हैं और दूसरे कहते हैं वही गोली लो और डॉक्टर के पास जाओ तो ये शिर्क नहीं, और पीर की कब्र पर चले जाओ और पट्टी चाट दो और कैसे शिर्क हो गया? वहां से पत्थर भेजे घर पर एतराज है ना भाई, हम उसका तसली बख्श करवा देते हैं। हम कहते हैं डॉक्टर के पास जाना शिर्क नहीं, न शिर्क है न मुनी शिर्क है, और ये अस्बाब उन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, उसने इजाजत दी है जो झूठ से पाक है, झूठ बोलने से क्या है? अल्लाह पाक ने उनको नबी बनाया है, उन लोगों ने ये काम अस्बाब उन्होंने इस्तेमाल किए। किसने इस्तेमाल किए? हाँ अंबिया ने, ईसा ने, सलाम ने कहा मन अंसारी इल्लाह, लोगों को कहा कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह की दीन के लिए, मेरी मदद कौन करेगा? माता पर अस्बाब, तू जो मदद मांग रहा है ये बाप होकर अस्बाब है, गोली सबब है, सबब को इस्तेमाल करना न शिर्क है न मुंह में शिर्क है, ये क्या है? तौहीद है। ये क्या है? अल्लाह ताला के साथ को अल्लाह से मदद मांगी जाती है, वो जो है माफोकल अस्बाब मदद है। अगर तू गैर अल्लाह से माफोकल अस्बाब मदद मांगेगा तो फिर शिर्क होगा। तू जो कब्र पे जाके उससे मांगता है तो उसमें क्या है? ये माफोकल अस्बाब है, अस्बाब तो नहीं है ना, कि वो सुनता नहीं, समझ आई है बात की नहीं? वो शिर्क इसलिए है, डॉक्टर के पास जाना शिर्क इसलिए नहीं है कि ये सबब है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, नतदावा या रसूल अल्लाह, हम दवा इस्तेमाल कर सकते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तदावो कोई दवा इस्तेमाल करो, दवा क्या करो? अगला लफ्ज क्या है कि इन्ला लम यनज़िल दान इल्ला नज़ल लहू दवाअन, अल्लाह कोई ऐसी बीमारी अल्लाह ने पैदा नहीं की, अल्लाह ने उसके लिए साथ दवाई भी दवा भी पैदा की है, दवा पैदा की है। आगे फरमाया लिकुल्ले दाइन दवाउन, हर बीमारी के लिए दवा है, इल्लल हरम बुढ़ापे की कोई दवाई नहीं, बुढ़ापे की। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इल्लल हरम, मौत की भी आती है लगर, लेकिन इस रिवायत में हदीस में हरम का लफ्ज है बुढ़ापे का, कि जब बुढ़ापा आ जाए तो कोई दवाई से जवानी नहीं बात की नहीं आती। अच्छा बहरहाल मकसद ये था, नबी अलैहिस्सलाम ने दवा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, क्या दी? इजाज़त दी। अब इस्तेमाल करने से ईमान कमज़ोर नहीं होगा। अच्छा आगे चलो, नबी अलैहिस्सलाम से सहाबी पूछता है, या रसूल्ला मैंने दम किया और वो काफिर ठीक हो गया और उसने मुझे बकरियां दी, मैंने शर्त लगाई थी, सहाबा जा रहे थे एक जगह पड़ाव किया तो होटलें तो होती नहीं थी, उनसे कोई खाना मांगा तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास कोई खाना नहीं, रात को उनके जो सरदार था उसको कोई सांप वगैरह लड़ गया तो उन्होंने कहा यार कोई तो हमारे अंदर है दम डालने वाला,
हमारे सरदार को तो कोई चीज़ जो है वो डस गई है। तो उन्होंने कहा भाई हम तो दम नहीं डालते, हमने तुमसे खाना मांगा था तुमने खाना नहीं दिया, हम नहीं देते। उन्होंने कहा तुम अब बताओ हम देंगे, वादा किया। उन्होंने कहा 100 बकरियां लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। सहाबी गए, उन्होंने सूरत फातिहा पढ़ी, पढ़ के दम की। अब उन्होंने बकरियां, वो बंदा ठीक हो गया और दम करके ये बकरियां लेके इस्तेमाल नहीं की कि ये हलाल है या हराम है, ये क्या है, समझाई बात की नहीं। जब तक नबी अलैहिस्सलाम से नहीं पूछेंगे नहीं। अच्छा जी आए पूछे, फरमाया ये हलाल है, अंत अकल का बेरुखियत है हक, इन लोग बातिल दमों के साथ खाते हैं, शिरकिया मंत्र पढ़ के खाते हैं, वो हराम है, और तूने क्या है हक के साथ खाया, क्या है हलाल है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने दम की इजाज़त दी, समझाई बात की नहीं, दम कराने से। लेकिन अगली एक और बात सुने, दम करना कराना जायज़ है, दम करना कराना कुरान पाक के साथ दम कराना करना क्या है, जायज़ है। लेकिन किसी पीर के पास दम कराने के लिए जाना मशहूर हो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे दिखाए गए लोग, उम्मतें दिखाई गईं और बहुत सारे लोग दिखाए गए, 70,000 लोग दिखाए गए, और मुझे कहा गया कि ये वो लोग हैं जो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाने वाले। तो सहाबा किराम ने पूछा कि ये कौन से लोग होंगे या रसूल अल्लाह। फरमाया ला यस्तरकूना वला यततय्यरूना वला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये वो लोग होंगे जो ना दम नहीं कराएंगे किसी से, दम नहीं कराने वाले, और फिर जो है बदफाली नहीं पकड़ेंगे, बदफाली पता नहीं समझते हो नहीं, यानी किसी से बुरा नतीजा अखज करना कि जी ये आदमी आ गया बड़ा मनहूस है, आज मेरा सारा काम बूढ़ी खराब कर छोड़ी इस बंदे है, ये बदफाली नहीं पकड़ेंगे। और तीसरा काम क्या है, वाला रब्बिम यतवक्कलून, रब पर तवक्कुल करने वाले होंगे, रब पर तवक्कुल करने वाले, दम न कराने वाले और बदफाली न पकड़ने वाले, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, बगैर हिसाब किताब के। वो ये किस बात पर ये मिल रहा है इनाम, पक्के अकीदे पर मिल रहा है ना, पक्का बहुत पक्का है ना, बदफाली नहीं पकड़ा, पक्का ही नहीं पकड़ेगा ना बदफाली, दाम वो ही नहीं कराएगा जो पक्के अकीदे वाला होगा, तवीज वो ही नहीं लेगा जो पक्के अकीदे वाला होगा, समझ आई बात की नहीं। पक्के अकीदे वाला बगैर हिसाब किताब के। अच्छा जी आगे एक है, ये वो दम है जो जायज है, नाजायज दम कराने वाला जन्नत में मुशरिक जाएगा ही नहीं, शिरकिया तवीज पहने वाला जन्नत में जाएगा ही नहीं। अब जायज दम कराने वाला जाएगा तो सही, मगर हिसाब किताब देकर जाएगा ना, फर्क तो हो गया या नहीं हुआ, समझ आई बात की नहीं। फर्क क्या है, एक बगैर हिसाब किताब के जाएगा, एक हिसाब किताब दे के जाएगा, फर्क है ना दोनों में। इसलिए मेरे दोस्तों दम कराना, खुद दम कर लिया करें, तो सूरत अल्लाह पाक ने दी है आखिर में, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, दुआएं मांगें और नमाज पाबंदी से पढ़ें और अल्लाह पर यकीन रखें, ईमान अपना पक्का रखें। देखो ना अल्लाह पाक फरमाते हैं कि लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि वमिन खल्फी यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, हर इंसान की अल्लाह ताला ने आगे पीछे दाएं बाएं फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं जो उसकी हर वक्त अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करते हैं, समझ आई बात की नहीं, क्या करते हैं हिफाजत करते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, सूरह राद में 13वां पारा है, लहू मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि वमिन खल्फी यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, समझ आई बात, किसके साथ मुवैद के साथ क्या होते हैं,
फरिश्ते मेरे साथ, मुझे यकीन है कुरान पर ईमान है कि नहीं, मेरे और आप सब के साथ क्या है, फरिश्ते होते हैं। क्या होते हैं और क्या करते हैं फरिश्ते? हिफाजत करते हैं। क्या करते हैं? ये हिफाजत ज्यादा अच्छी है, बेहतर है जो अल्लाह ने दिया है, या वो तबीज वाली अच्छी है? समझ आई बात? अगली एक लफ्ज भी सुने ना, आगे क्या है? يَخْفَزُونَ مِنْ أَمْرِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ये फरिश्ते, या अल्लाह इन पर फिर क्यों मुसीबतें आ जाती हैं, क्यों जो है इनको कभी नुकसान क्यों पहुंच जाता है? फरिश्ते जो हिफाजत कर रहे हैं, नुकसान क्यों होता है? अल्लाह फरमाते हैं إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ, अल्लाह किसी की हालत को तब्दील नहीं करता जब तक इंसान खुद अपनी हालत को तब्दील न कर ले। जिस वे इसने अपना ईमान कच्चा होना हो मजे ना, तो फरिश्ते कच्चा हो गया तो फरिश्ते हट वे सो नारो, फरिश्ते ए दी तवीज पा के दा तो फरिश्ते नारो हट, फिर ऐसा नुकसान पहुंची कि ना पहुंची? समझ आई बात की नहीं? जिस वक्त इसने अपने दिल की हालत को बदल लिया, जो दिल में ईमान था ना, दिल की ईमानी कैफियत थी, वो कमजोर हो गई, वो तब्दील हो गई, शिर्क कर लिया या कोई गुनाह इतना बड़ा कर लिया, और फरिश्ते इससे हट जाएंगे, जब फरिश्ते हटेंगे फिर इसको नुकसान पहुंचेगा। जब तक फरिश्ते इसके साथ है, न इसको कोई डाका मार सकता है, न इसकी कोई चोरी कर सकता है, न इसको कोई आदमी कोई गोली मार सकता है, न इसको कोई नजर लगा सकता है, न इसके ऊपर कोई जादू कर सकता है, न कोई तावीज कर सकता है, इसका एक बाल भी कोई वो स्याह बाल सफेद कोई नहीं कर सकता। समझ आई बात की नहीं? कि कर सकता है? कुरान ईमान को पक्का करता है ना। कुरान ने कहा ना कि वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुक, कि अल्लाह के सिवा नफे और नुकसान का मालिक कोई नहीं। समझ आई बात की नहीं? कुरान पाक की कहत में अल्लाह फरमाते हैं 15 सिपारा है सूरह बनी इसराइल के, कुल दुल्लज़ीन ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकूना कशफ ज़ुर्रि अनकुम वला तहवीला, कि पुकार तू बेशक उन लोगों को जिनको तू अल्लाह के सिवा गुमान करता है, जिनको तू समझता है कि वो हिफाजत करते हैं, मुसीबतें दूर करते हैं, परेशानियां हल करते हैं, मुश्किल कुशा हैं, उनको पुकार, नबियों को वलियों को, ला यमलिकूना कशफ ज़ुर्रि अनकुम, नहीं मालिक नहीं इख्तियार रखते वो तुमसे तकलीफ दूर करने की हटाने की का इख्तियार नहीं रखते, तुमसे हटा के तुम्हारे दुश्मन पे डाल दे ये भी नहीं कर सकते, जो तकलीफ की शिद्दत है उसको कम कर दे ये भी नहीं कर सकते, वला तहवीला आती हुई तकलीफ को रास्ते से भी नहीं फेर सकते। ये वलियों और नबियों के बारे में लोग कहते हैं ना कि वो बुतों के बारे में कहते हैं, इसको बरेलवी देवबंदी सब का इत्तेफाक है कि ये औलिया अल्लाह के बारे में है, क्योंकि आगे लफ्ज खड़ा हुआ है उलाइकल्लज़ीना यदउना यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता, कि ये वो लोग उन लोगों को पुकारते हैं जो रब का कुर्ब तलाश करते हैं, रब का कुर्ब बुत नहीं तलाश करते, औलिया अल्लाह तलाश करते हैं। समझ आई है बात की नहीं? ये वो आयत है जो अंबिया औलिया